नमस्ते। इस एपिसोड के ओशो जेंटारो में हम कवर कर रहे हैं फ्रेंडलीनेस के कार्ड को, और फ्रेंडलीनेस को हम कंपेयर कर रहे हैं टू ऑफ कप्स से। तो फ्रेंडलीनेस को समझने से पहले टू ऑफ कप्स को थोड़ा समझ लेते हैं। टू ऑफ कप्स स्टैंड करता है पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए। टू ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं जिसमें मिल रही हैं उसको सिग्निफाई करता है, या फिर एक रिलेशनशिप के लिए। टू ऑफ कप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सिग्निफाई करता है, क्योंकि अगर आप कार्ड को अगर आप देखेंगे कि एक मेल और फीमेल फिगर जो है उसके अंदर जो है आपस में मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। तो मेल यहाँ पे जो सिग्निफाई करता है वो है ब्रेन को, और जो वुमेन है वो सिग्निफाई करती है हार्ट को। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड्स ऑफ टैरो, जिसके अंदर जो है ब्रेन और हार्ट का जो है एक कॉम्बिनेशन हो रहा है। ब्रेन और हार्ट जो है मिल रहे हैं, जिसमें आपके दिल और दिमाग जो हैं दोनों के एक मर्ज शो कर रहा है। और लाइफ कंप्लीट तभी हो पाती है जब ब्रेन और आपका जो हार्ट है वो दोनों जो हैं आपस में मिल के काम कर सके, जब आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है दोनों मिलकर जो हैं फंक्शन कर सके, तभी हम किसी काम को पूरी तरह से कंप्लीट कह सकते हैं। तभी हम जो है इसको यिन एंड यांग सिंबल भी बोलते हैं। और मेरे देखे जो है टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कार्ड ऑफ लवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से देखने पे यही लग सकता है कि द लवर्स कार्ड इज़ मोर पावरफुल, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह की रिलैक्सेशन है, यहाँ पे एक तरह का जो है एक नेचुरल सा एक मर्जर हो रहा है। और अगर आप लवर्स कार्ड को देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शो करा है दूसरे के लिए। इसलिए टू ऑफ कप्स हमें जो है फ्रेंडलीनेस की तरफ सिग्निफाई करता है, जिसकी अब हम बात करेंगे। फ्रेंडलीनेस कार्ड में हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट ट्रीज जो कि आपस में जो हैं मिक्सअप हो रहे हैं, और वो इतने मर्ज हो चुके हैं कि अब दोनों के बीच में जो है डिफरेंस करना मुश्किल है। और एक ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है फ्रेंडलीनेस का। यहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है कि जो हमने टू ऑफ कप्स में देखा, जिसके अंदर जो है ब्रेन और हार्ट मर्ज हो रहा है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है मर्ज हो रही है। और अपोजिट जो है अपोजिट नहीं रह गया, उसमें एक ऐसी मर्जनेस आ गई है, वो आपस में ऐसे मिल गए हैं कि देयर इज़ अ ब्यूटी टू इट। इसको हम कह सकते हैं कि प्रेम का जन्म हो रहा है, और प्रेम का जन्म जो है जब दो अपोजिट फोर्सेस जो हैं आपस में मिलती हैं, दैट इज़ व्हेन द लव स्टार्ट्स हैपनिंग। और ओशो जो है इस कार्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है फ्रेंडलीनेस इज़ दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि जो अगर हम नॉर्मल लव के साथ कंपेयर करें उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें डिज़ायर्स हैं, उसमें किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ट्रांसेक्शन्स चल रही हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंडलीनेस की बात करें तो वहाँ पे एक सिर्फ एक फ्रेंडली एनर्जी है, वहाँ पे सिंपली एक जो है एक फ्रेंडली नेचर है जो कि सबके प्रति जो है फ्रेंडली है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको जो है आपके अपोजिट सेक्स ही आपके लिए होना चाहिए, या कोई आपके लिए कोई फ्रेंड होना चाहिए सामने। फ्रेंडलीनेस की जब एनर्जी आपके पास है तब सब कुछ आपके आसपास जो है आप उसको स्वीकार करते हैं जैसा वो है, और आपके अंदर जो है उसके प्रति जो है एक प्रेम भावना जो है उसके प्रति रहती है, आप उसके प्रति फ्रेंडली रहते हैं। और अगर ध्यान से समझें तो अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, फ्रेंडशिप के अंदर जो है एक तरह का ईगो है, जिसके अंदर आप किसी के प्रति दोस्ती भाव रखते हैं। और थोड़ा और गहरे चले जाएं, थोड़े ऊपर चले जाएं, तो फ्रेंडलीनेस का जन्म होता है, जहाँ पे आप अब आपके लिए कोई वस्तु विशेष नहीं रह गए, अब आपके लिए कोई एक नहीं रह गए, अब आपके लिए सभी जो हैं फ्रेंडली हो गए हैं। आपकी जो प्रेम पूर्वक जो ऊर्जा है वो सभी के लिए खुल गई है। और इसलिए ओशो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर खुद के अंदर जाइए, ध्यान के अंदर गहरे उतरिए, और ध्यान में जब आप गहरे उतरेंगे तब आप उस प्रेम की ऊर्जा को जो है डिस्कवर करेंगे, उसको आप जो है अपने अंदर पाएंगे कि वो ऑलरेडी है, और वही प्रेम की ऊर्जा जो है फ्रेंडलीनेस बनती है। और एक बार फ्रेंडलीनेस की अगर ऊर्जा बन जाए तो उसके अंदर जो है आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अगर आप मित्र के साथ हैं तो मित्र के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ देने का भाव होता है। अगर आप अपनी प्रेमी के साथ हैं, उस प्रेमी को जो है बांधने की इच्छा नहीं होती, उस प्रेमी को आप इंसिस्ट नहीं करते हो कि आपके साथ वो मैरिज करें, आप उनको वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे आप हो। इसको अगर आप समझ रहे हैं तो कुछ ऐसी बात है कि जिस दिन वो आपके अंदर वो प्रेम की ऊर्जा बन जाती है, जिस दिन जो है आप उस स्टेज पे आते हैं कि फ्रेंडलीनेस आपके अंदर क्रिएट होती है, उस दिन जो है आपके पास
कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो प्रेम की ऊर्जा है वो हर तरफ जो है बहेगी। आपके आसपास कोई भी आएगा वो ऊर्जा जो है उसको टच करेगी, वो ऊर्जा उसको छुएगी। अगर हम गुरु की बात करें, अगर हम बुद्ध की बात करें, अगर हम ओशो की बात करें, तो ये वो लोग हैं जिनके भीतर जो है वो फ्रेंडलीनेस जो है क्रिएट हो चुकी है, कि अब वो एक ऐसे फूल हो चुके हैं कि उनकी जो सुगंध है वो 24 घंटे जो है वो बहती है। तो कोई अगर उनके पास में आ जाए तो वो जो सुगंध है वो ज़रूर उनको छूती है। तो फ्रेंडशिप जो है सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है, लेकिन जब हम फ्रेंडलीनेस की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पे आप किसी के प्रति भी फ्रेंडली हो सकते हैं। तो जब प्रेम आपके जीवन में आता है तो एक ऐसी स्टेज है कि जब आप एक ह्यूमन बीइंग बन गए, जब एक आदमी का जन्म हुआ, कि आप एक आदमी होने की यात्रा पे निकले। लेकिन प्रेम काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रेम के साथ जो है बहुत कुछ अनवांटेड भी जो है उसके साथ आता है, जिसको हम जेलसी, पॉजेसिवनेस, डिज़ायर और अदर जो फीलिंग्स हैं वो भी साथ में जुड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जो है ये तत्व जो हैं शांत होने शुरू होते हैं उस प्रेम के अंदर, तब जो है जाके जो है एक फ्रेंडलीनेस का जन्म होना शुरू होता है। तो जब आप प्रेम के अंदर जो है, व्हेन यू स्टार्ट राइजिंग इन लव, दैट इज़ व्हेन द फ्रेंडलीनेस स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, तब जाके जो है फ्रेंडलीनेस जो है आपके जीवन में आनी शुरू होती है। तो ये यात्रा जो है डिज़ायर से प्रेम की तरफ है, और फिर फाइनली प्रेम से जो है फ्रेंडलीनेस की तरफ है। तो फ्रेंडलीनेस अपने आप में एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही एडवांस स्टेज है। और सारी स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा है वो सारी की सारी यात्रा जो है वो डिज़ायर से शुरू होती है, वो प्रेम बनती है, और फाइनली वो फ्रेंडलीनेस बनती है। और फ्रेंडलीनेस को हम दूसरे शब्दों में गॉडलीनेस भी कह सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें इन दो कार्ड्स का, टू ऑफ कप्स और फ्रेंडलीनेस का, तो टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में फिजिकल एक शो करती है, जिसके अंदर एक फिजिकल ट्रांसेक्शन लेवल जो है दोनों का जो है मेल और फीमेल के बीच में चल रहा है, मतलब टू ऑपोजिट एनर्जीज जो हैं वो मर्ज हो रही हैं। राइडर मेट जो है बाहर की एक फिजिकल एक्टिविटी को दिखा रहा है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी को दिखा रहा है जिसके अंदर मेल और फीमेल एनर्जीज जो है मर्ज हो रही हैं, जिसके अंदर प्रेम की शुरुआत हो रही है। तो फाइनली अब डिज़ायर तो नहीं रहा, लेकिन प्रेम की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर हम कंप्लीशन की बात करें तो वो कंप्लीशन जो है वो ख़त्म हो रही है फ्रेंडलीनेस के कार्ड के थ्रू। सो बात राइडर वेट के टू ऑफ कप से शुरू हो रही है, लेकिन ख़त्म हो रही है फ्रेंडलीनेस के कार्ड से, जो कि ओशो ज़ेन टैरो का है। और मित्रता से जुड़ी हुई एक बहुत एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा जो है उसके आंगन में एक पेड़ था, उसके साथ खेलता था, कूदता था। उसने अपना सारा बचपन जो है उस पेड़ के आसपास बिताया था। उस पेड़ को भी जो है बहुत प्रेम था उस बच्चे से, और जब तक वो बच्चा था उसके भीतर जो वो इनोसेंस थी, उस इनोसेंस के कारण जो है वो उस पेड़ को प्रेम कर पाया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वैसे वैसे जो है वो पेड़ को जो है इग्नोर करने लगा, वो अपने काम धंधे में बिजी हो गया। पेड़ उसको बुलाता रहा कि मित्र अब तुम आते नहीं हो, मैं तुम्हारी राह देखता हूँ, कब तुम मेरे पास आके बैठोगे, कब जो है मेरी टहनियों के साथ जो है उछल कूद करोगे, कब मेरे फल खाओगे, कब मेरी छाया में जो है तुम सोओगे। तो वो बच्चा तो अब बच्चा नहीं रहा था, आदमी हो गया था। उसने उस पेड़ को बोला कि तेरे पास मैं आऊँ क्यों, तेरे पास है क्या देने को, मुझे अब काम धंधा करूँगा, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, और पहली जो है मेरी नौकरी नहीं लग रही, ऊपर से तू जो है तू चाहता है कि मैं तेरे पास आके बैठूँ, मुझे पैसा कमाना है, तू मुझे पैसा दे सकता है क्या। तो पेड़ ने जब ये बात सुनी तो पेड़ ने उस लड़के से कहा, अरे तू चिंता क्यों करता है, तू मेरे फल ले जा, और ये फल जो है जाके बाजार में बेच दे, इससे जो है तेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो लड़के की आंखों में जैसे चमक आ गई, उसने उस पेड़ के सारे फल तोड़ लिए और बाजार में जाके बेच दिए। फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद फिर वो दिखा नहीं पेड़, फिर उसको जो है बुलाने लगा, हवाओं के जरिए जो है उसको मैसेज भेजने लगा कि ए मित्र कब आओगे, तुम्हारी राह देखता हूँ, कब मेरे पास आके बैठोगे। तो उस लड़के ने बोला कि अरे मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ, तुम्हारे पास है क्या देने को, अब तो तुम्हारे पास फल भी नहीं है जिसको मैं जाके बेच दूँ, मुझे शहर में अपना घर बनाना है, और तुम्हारे पास आके मैं क्या करूँगा। तो पेड़ ने कहा कि अरे मित्र चिंता क्यों करते हो, तुम मेरी लकड़ी जो है काट लो, और अपने लिए जो है जिस तरह का भी घर चाहो वो बना लो। ये बात फिर से सुन के जो है
उस लड़के के अंदर जो है आंखों में चमक आ गई। उसने जो है वो पूरा पेड़ जो है काट डाला, तो अब सिर्फ ठूट बचा था, और वो काट के जो है वो लकड़ी लेके चला गया। फिर कुछ साल बीते और अब तो वो आदमी जो है वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो पेड़ अभी भी उसकी राह देखता था, उसको हर वक्त याद करता था। वो अभी भी जो है हवा के जरिए जो है उसको संदेशा भेजा करता था कि मित्र कब आओगे, मैं तुम्हारी राह देखता, मेरे पास आके कब बैठो। तो खैर लड़के के कानों में अगर बात भी पड़ रही थी तो वो उसको इग्नोर कर रहा था। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा उसके पास जाके। तो उस लड़के ने कहा कि भी तुम्हारे पास है क्या, तुम तो एक ठूट बचे, तुम मुझे अब दे भी क्या सकते हो, लकड़ी भी मैंने तुम्हारी काट ली, अब मुझे जो है देश विदेश में यात्रा करनी है, मुझे अपने लिए एक नाव चाहिए। ये बात सुनते ही पेड़ जो है बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये जो बची हुई लकड़ी है इससे तुम जो है अपनी नाव बना लो, और तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम इस नाव के ज़रिए जा सकते हो। लड़के ने वही किया, वो नाव जो है उसने जो है उस लकड़ी की बना ली, और वो निकल गया किसी दूर देश में। एक दिन मैं गुजरता था उस जगह से जहाँ पे वो पेड़ था, और अब वो पेड़ नहीं रह गया था, उसकी लकड़ी जा चुकी थी, उसके फल जा चुके थे, उसकी घनी छाव जा चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने मित्र को पुकार रहा था कि मेरे मित्र कब आओगे, कब मेरे पास आके बैठोगे, मैं तुम्हारी राह देखता हूँ। तो उस पेड़ ने मुझे बोला कि मुझे उस लड़के की बहुत चिंता होती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, और अब मैं उसको किस मुँह से बुलाऊँ, मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है, जो मेरे पास था मैंने सब कुछ दे दिया। तो इस कहानी के ज़रिए सिर्फ आपको जो है एक छोटा सा एक आइडिया, एक छोटा सा जो है आपको एक भाव दे रहा हूँ फ्रेंडलीनेस का, कि जब आप इस फ्रेंडलीनेस के अंदर होते हैं, जब आप उस ऊर्जा के अंदर होते हैं, उस मित्रता की फीलिंग के अंदर होते हैं, आप अपनी तरफ से जो दे सकते हैं वो देते हैं। बुद्ध ने अपने आप को जो है एक मित्र बताया है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो मेरा अगला जन्म होगा वो मैत्रेय के नाम से होगा, कि मैं एक मित्र की तरह आऊँगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कार्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस का। आशा करता हूँ कि ये फ्रेंडलीनेस की जो ऊर्जा है उसको आप भी महसूस कर सकें और आप भी अपने जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।